हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो वीवो X100 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन की रैम है, तो फ़ोन की रैम को आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं एंड आप फ़ोन की रैम को कैसे बढ़ा सकते हैं अपने वीवो X100 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और फ़ोन रैम को आप कैसे इंक्रेस कर सकते हैं अपने वीवो X100 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन की रैम कैसे बढ़ाएं वीवो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शोर हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपके पास ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो भी आपके फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर सेटिंग्स पे आकर कैसे अपने फ़ोन की रैम इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्लाइड करते हुए रैम सेटिंग्स पे जाना है, तो फ़ोन की रैम सेटिंग्स यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इसको ओपन कर लेना, और इसको ओपन करते ही आप फ़ोन की रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आप इसको ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो आपका फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा। और जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा, और रिस्टार्ट होते ही जो भी आपकी फ़ोन की रैम होगी एक्सटेंड हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से फ़ोन की रैम को इंक्रीज कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में, और सेटिंग्स पे जाकर, और साथ में आप देखेंगे सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। बस आपको रैम सर्च करना है, तो रैम सेटिंग्स से यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें डायरेक्टली आप रैम सेटिंग्स पे जा सकते हैं, और डायरेक्टली सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन की रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं इस ऑप्शंस के जरिए और बढ़ा सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी।